हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज दी पहली वड्डी खबर है, पंजाब दे विच मंगलवार रात तों लागू होवेगा नाइट करफ्यू। जाणो की ने इस दे विच फैसले। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि मंगलवार जाणी कि अज तों पंजाब दे विच एक बार फिर नाइट करफ्यू लागू हो जाएगा। करफ्यू रात 10 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक घरों को छड्डन दे विच मनाही रहेगी। सूबा सरकार ने यह कदम दिल्ली NCR दे विच कोविड की स्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र चुकया। होटल, रेस्टोरेंट ते मैरिज पैलेस रात 9:30 बजे तक खुले रहेंगे। करफ्यू दे विच ढिल देन जां वधाउण दा अगला फैसला 15 दिसंबर नूं लिया जाएगा। अगली खबर है रेलवे नाल जुड़ी अहम खबर, मंगलवार तो बदल रहा है राजधानी समेत 40 रेल गड्डियां दा समा। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि मंगलवार तो जाणी कि अज तो कई रेल गड्डियां दा समा बदल रहा है। दिल्ली तो चलण वालियां कई रेल गड्डियां दे नवें समें ते रवाना होणगियां, उन्हां दे आउण दे समें विच तब्दीली आवेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह तब्दीली कई रूटां ते वध तो वध स्पीड लिमिट वधाउण अते रेल गड्डियां नूं समें सिर चलाउण लई कीती गई है। उत्तरी रेलवे दीआं कुल 40 रेल गड्डियां दे जाण ते आउण दा समां बदलिया गया, जिन्हां दे विचों 27 दिल्ली दे वख-वख स्टेशनां तों चलदियां ने। अगली खबर है सिंघू अते टिकरी बार्डर आवाजाई लई बंद, किसानां वल्लों दिल्ली दे सारे रस्ते बंद करन दी चेतावनी। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिंघू अते टिकरी बार्डर ट्रैफिक आवाजाई लई बंद है। किसानां ने इत्थे डेरा लाया होया। इस दे नाल ही दिल्ली दीआं सरहदां दे प्रदर्शन कर रहीआं किसान जथेबंदियां दे नेतावां ने दिल्ली दे सारे एंट्री पॉइंट बंद करन दी वी चेतावनी दे दित्ती है। अगली खबर है किसानां दी गिरफ्तारी ते हाई कोर्ट दी सरकार नूं फिटकार, दोषियां वांग क्यों मंगी जा रही है 50,000 रुपए की जमानत। तां दोस्तों हरियाणा सरकार ने हिरासत विच लए किसानां दी रिहाई दे लई 50,000 रुपए की जमानत मंगी गई है। इस ते पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार तो जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने पुछया कि किसानों नूं छड्डन दे लई गंभीर अपराध के दोषियों वांग इन्नी भारी जमानत की रकम क्यों मंगी जा रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार तो यह भी पुछया कि किन्ने किसानों नूं हाले तक छड्डिया गया। दस दईए कि पुलिस ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों ते कई मामले दर्ज करके हिरासत विच लै लिया सी। अगली खबर है मोदी ने 4 दिसंबर नूं बुलाई सर्ब पार्टी बैठक, इस मुद्दे ते होवेगी चर्चा। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी तो पैदा हुई स्थिति बारे विचार करन लई 4 दिसंबर नूं सर्ब पार्टी बैठक बुलाई है, जिस दी प्रधानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे। सूत्रां दे अनुसार दस्सिया गया कि संसद दे दोवां सदनां विच पार्टियां दे नेतावां नूं सवेरे 10:30 बजे होण वाली ऑनलाइन बैठक दे विच सद्दा दित्ता गया। अगली खबर है किसानां ते केंद्र विचाले वधिया टकरा, किसानां ने दित्ती वड्डी चेतावनी, इंज मनवाउणगे मंगा। तां दोस्तों किसानां ने केंद्र सरकार दरमियान टकराव वधदा जा रहा है, जिथे केंद्र अड़ियल रवैये ते अपना रही है उत्थे ही किसान भी पैर पछां खिंचण दे लई तैयार नहीं ने। किसानां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर सरकार वल्लों कानून वापस नहीं लए गए तां उन्हां वल्लों दिल्ली दे विच अंदोलन होर तेज़ कीता जाएगा। किसानां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर 2 दिनां दे विच किसानां दी गल नहीं मन्नी गई तां उह पब्लिक ते प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बंद कर देणगे। ते हुण किसानां नूं हरियाणा दे खापां दिल्ली दे विच बस, ट्रक ते आटो टैक्सी यूनियन दा भी समर्थन मिल रहा है। अगली खबर है इंडिया गेट ते पहुंचे किसान, पुलिस नूं पईआं भाजड़ां ते दिल्ली दे विच होया हाई अलर्ट, गुरू घरां ते भी रखी जा रही है नज़र। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि खेती कानूनां विरुद्ध अंदोलन कर रहे किसान लगातार 5वें दिन दिल्ली बार्डर ते डटे हुए ने। किसान 5 तों 6 होर रस्तियां विच दिल्ली दाखल हो के इंडिया गेट ते पहुँच गए ने। किसानां ने इंडिया गेट ते पुजन दी खबर नाल प्रशासन नूं भी भाजड़ा पै गईआं ने। पुलिस ने उन्हां किसानां नूं हिरासत दे विच लै लिया जो निरंकारी भवन नूं छड्ड चुके सी। इस मगरों तुरंत नवीं दिल्ली आउण वाले सारे रस्तियां उत्ते नाके ला के चैकिंग शुरू कर दित्ती गई है। अगली खबर है किसानां दे अंदोलन ने उड़ाए सरकार दे होश, रात 2 घंटे हुई साह नट्ठा ते बैठक। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि नरेंद्र मोदी सरकार भी किसान अंदोलन दे सर्वपक्षी दबाव दरमियान सरगर्म हो गई है। तुहानूं दस दईए कि रात नूं हुए किसान अंदोलन दे मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी दे कौमी प्रधान JP नड्डा दे गृह विखे एक मीटिंग सद्दी गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक के गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद सन। यह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली। अगली खबर है, सोना 7,000 रुपये सस्ता, भाव दे विच 4 महीनों तो लगातार गिरावट। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि भारतीय बाजार में लगातार सोने के चांदी दी कीमतों के गिरावट का दौर जारी है। हालात यह ने कि 4 महीनों दौरान सोना लगभग 7,000 रुपये सस्ता हो गया। पिछले 3 हफ्तों में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 4,000 रुपये तक भारी गिरावट देखने मिली है। 4 महीने पहला अगस्त के 10 ग्राम भाव के 1 तोले सोने का भाव 55,000 रुपये सी, पर हुण इसकी कीमत भारतीय बाजार 48,990 रह गई है। अगली खबर है, होंडा एक्टिवा ने भारत में 20 साल पूरे किए। इस खास मौके लॉन्च की एनिवर्सरी एडिशन। तो दोस्तों भारत में सब तो ज़्यादा बिकन वाली स्कूटी होंडा एक्टिवा ने भारत में 20 साल पूरे किए ने। कंपनी ने इस मौके पर एक्टिवा एनिवर्सरी एडिशन की शुरुआत की है। इस खास स्कूटी की कीमत 66,816 रुपये रखी गई है। यह स्कूटी स्टैंडर्ड और डीलक्स दो वेरियंट के लॉन्च की गई है। इस दे डीलक्स वेरियंट की एक्स शोरूम कीमत 68,316 रुपये है। एक्टिवा के एनिवर्सरी एडिशन कीमत मौजूदा मॉडल नालों 1,500 रुपये वध है। अगली खबर है, मंगां ते कोई समझौता नहीं, केंद्र तीनों कानून वापस लवे। तो दोस्तों सिंगू सरहद ते धरना लाई बैठिया किसान जथेबंदियां ने कहा कि वह अपने मौजूदा मोर्चों ते डटिया रहनगियां। किसान आगुआ ने स्पष्ट कर दिता कि वह 3 खेती कानूनों के बिजली सोध एक्ट के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि किसानों के मन की बात को समझन या फिर यह अड़ीली सरकार को महंगा मुल धारना पवेगा। सिंगू सरहद के पत्रकारों को संबोधन करदिया किसान आगुआ ने कहा कि साड़ी इको एक मंग खेती कानूनों को वापस करवाउंदी है, इस ते कोई समझौता नहीं करांगे। अगली खबर है, खेती कानूनों बारे किसानों में शक पैदा किया जा रहा है मोदी। तो दोस्तों खेती कानूनों बारे मुल्क में थां थां किसानों वालों किए जा रहे रोस मुजाहरियां दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर विरोधी धरां ते हमला बोलदिया कहा कि बीते कुछ समय तो एक वखरा रुझान देखने को मिल रहा है जिस के तहत सरकार के फैसले बारे शक पैदा किया जा रहा है। वह अपने संसदी चोणा हल्के के खंजूरी पिंड 6 लेन सड़क को चौड़ा करने के काम बारे उद्घाटन करने के संबोधन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जो नीतियां बनाउंदियां ने तां उन्होंने समर्थन भी मिलता है, तो कुछ सवाल खड़े होने सुभाविक है। यह लोकतंत्र का हिस्सा है, तो भारत में यही जीवन परंपरा है। अगली खबर है, लाहौर दुनिया का सब तो वध प्रदूषित शहर। तो दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर शहर एक बार फिर दुनिया का सब तो प्रदूषित शहरों की सूची में सिखर पर पहुँच गया। यूएसए एयर क्वालिटी इंडैक्स वालों अज हवा प्रदूषण संबंधी जारी अंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की सभ्याचारक राजधानी लाहौर में दुनिया के सब तो वध प्रदूषित शहरों का दर्जा दिता गया। इंडैक्स के अनुसार लाहौर के प्रदूषक तत्व दर्जा 423 रहा है। अगली खबर है, खेती कानून लागू होने नाल किसानों दी मुश्किलां घटन लगियां मोदी। तो दोस्तों खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली दी बहूरां ते पहुँच के किसानों वालों किए जा रहे प्रदर्शन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि यह सुधारा ने किसानों लिए नवे मौकों के राह खोल दिते ने। आकाशवाणी के मास्क मन की बात प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि खेती कानून लागू होने के थोड़े समय अंदर ही किसानों दी मुश्किलां घटनियां शुरू हो गई ने। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों की मिसाल दी जिसनों खेती कानूनों दी धरावां कारण व्यापारी तो रकम वापस मिल गई, जबकि पहला वह पैसे देने तो भी टाला बट रहा सी। अगली खबर है, भारत के कोरोना केसों की गिनती 94 लाख तो टप्पी। तो दोस्तों भारत के इस महीने 7वीं बार एक दिन के कोविड-19 के 40,000 तो घट मामले सामने आए ने। इस नाल मुल्क दे विच पीड़ितों की गिनती बढ़ के 94,31,000 हो गई है, तो हुण तक 88,47,600 व्यक्ति सेहतयाब हो चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ों के अनुसार एक दिन के 38,772 नवे मामले सामने आए हैं, जिस दे नाल पीड़ितों की गिनती बढ़ के 94,31,691 हो गई है। तो इस दे नाल ही 443 व्यक्तियों की मौत हुई है, जिस नाल मरण वालों का अंकड़ा 137,139 तक पहुँच गया। अगली खबर है, मंडी एसोसीएशन वालों दिल्ली धरने के शामिल होने का ऐलान। तो दोस्तों सब्जी मंडी एसोसीएशन के सूबा प्रधान रजिंदर ठकराल ने उसके साथियों ने कहा कि हरियाणा सब्जी मंडी एसोसीएशन दूबे
1300 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵੇਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੜਕੇ ਕੈਪਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ, 5 ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਮ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।